कितना भी पुराना घुटने का दर्द क्यों ना हो, आप घर बैठे बैठे अपने घुटने के दर्द को जड़ से खत्म कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी दवा के और बिना किसी इंजेक्शन के। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कारम, मैं योगी ललित बिष्ट स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे आप अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम घर बैठे बैठे अपने घुटने के दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो जी चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले करना क्या आपने, एक तो अपने पैर में वेट बांध देना है, दूसरा नी कैप को पहन लेना है दोनों घुटनों में। उसके बाद आपको चेयर पे बैठ जाना है। यदि आपके पैर के तलवे आसानी से जमीन पे टच होते हैं तो आप अपने थाइज के नीचे कुछ रखें सपोर्ट के लिए। मेरे पास योगा मैट है तो मैं योगा मैट रखूंगा, और यदि आपके पास नहीं है योगा मैट तो आप या तो कोई गोल वाला तकिया रखें या फिर कोई कपड़ा मोड़ के आप अपने थाइज के ऊपर रखें। अब आप देख सकते हैं मेरे पैर पूरे हवा में है, बिल्कुल ठीक है। फिर हाथ से ऐसे उस रोल किए हुए कपड़े को या तकिए को या फिर योगा मैट को पकड़ें और आसानी से पैरों को ऐसे हिलाएं, ठीक है। बहुत धीरे धीरे से दोनों पैरों को हिलाना है, सीधे करने का आपने बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना है, पैरों को ऐसे हिलाते जाना। ऐसे करने से होगा क्या कि जो आपने योगा मैट और कपड़ा अपनी थाइज के नीचे रखा है वहां पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ेगा आपकी मसल्स पे और आपके घुटने ऑटोमेटिकली ढीले होने शुरू हो जाएंगे, है ना। घुटने की मसल्स लूज होनी शुरू हो जाएगी और आपका घुटना आसानी से मूव करने लगेगा। 1.5 से 2 मिनट रोज ऐसे हिलाएं और उसके बाद एक एक करके पैर को ऐसे गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। ऐसे करने से कभी भी आपके घुटने में दर्द नहीं आएगा, कभी भी नहीं, जीवन भर नहीं आएगा आपके घुटने में दर्द। बस आपने अभ्यास को करते जाना है बैठे बैठे। अब ऐसे ही आपने दूसरे पैर से करना है, पहले क्लॉकवाइज ठीक है, फिर एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेते रहना है छोड़ते रहना है, लेते रहना है छोड़ते रहना है, बहुत सावधानी के साथ और धीरे धीरे आपने करना। फिर अब आपने क्या करना है, दोनों पैर को ऐसे बाहर की तरफ झुलाना है, बाहर अंदर बाहर अंदर, लेकिन पैर आपस में टच नहीं करना आपने, ठीक है। अब एक पैर को आगे एक को पीछे, ये एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, ये ठीक। अब दोनों पैर आगे दोनों पीछे, ये बस आप अपने पैर ऐसे हिलाते जाएं, पैरों की मसल्स को मजबूत बनाते जाएं और घुटने दर्द को जड़ से खत्म करें। बस सिर्फ आपको ऐसे ही रोज अपने पैरों को हिलाना है, ठीक है। अब आपको पैर ऐसे और ऐसे क्रॉस करने का प्रयास करना है, ये, लेकिन ध्यान रहे आपके पैर आपस में टकराए नहीं। ऐसे करने से क्या होगा, आपके घुटने की जो ये अंदर वाली मसल्स होती है ना वो मजबूत होगी, ये ओके। अब दोनों पैरों को एक साथ अपने ऐसे गोल गोल घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज, ये गुड, हाँ ऐसे करते जाना आपने 10 8 से 10 बार लगातार, ये फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसे घुमाने के बाद घुटने की मसाज तो बनती है ना, क्योंकि आपके घुटने ने आज बहुत काम किया है आपके लिए। तो अब आपको घुटने के लिए थोड़ा सा मसाज देनी है, दोनों हाथ घुटने के अगल बगल रखें और घुटने को
धीरे धीरे रब करें, पहले साइड से, फिर एक हाथ नीचे से और एक ऊपर से, ये दोनों पैरों के, ठीक है। और एक हाथ से घुटने के ऊपर से मसाज और एक हाथ घुटने के नीचे से मसाज देनी है अपने घुटने को। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।